हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान गणेश की शादी की रोचक कथा। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय होने का दर्जा प्राप्त है। किसी भी पूजा या शुभ आयोजन की शुरुआत गणपति की आराधना के साथ ही होती है। एक बार भगवान गणेश घने वनों में बैठकर ध्यान कर रहे थे। वहां से देवी तुलसी निकली। गणेश जी की विचित्र छवि ने तुलसी जी को अत्यधिक प्रभावित किया। तुलसी जी ने भगवान गणेश से विवाह करना चाहा। ध्यान से उठने पर भगवान गणेश से देवी तुलसी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कृपया मेरा साथ स्वीकार कीजिए। गणेश जी ने तुलसी जी से विवाह करने से मना कर दिया। इस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गईं। क्रोधित हो उन्होंने गणेश जी को यह श्राप दिया कि तुम आज शादी से मना कर रहे हो और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी दो शादी होंगी और दो पत्नियों के साथ तुम्हें जीवन व्यतीत करना होगा। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता, तब तक भगवान गणेश की भी विवाह करने की इच्छा हो गई। लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहते थे। देवताओं का कहना था कि सभी देवता इतने अधिक रूपवान हैं और गणपति देवताओं से अलग दिखने वाले हैं, इसलिए कोई उनसे विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह ना होने से गणपति क्रोधित रहने लगे और जिस भी देवी देवता का विवाह होता उसमें विघ्न उत्पन्न करने लगे। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ने दो मानस पुत्रियों को उत्पन्न किया, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था। इन दोनों पुत्रियों को यह आदेश दिया कि जब भी भगवान गणेश किसी देवी या देवता के विवाह में विघ्न उत्पन्न करे तो उनका ध्यान किसी और विषय में लगा देना, ताकि गणेश जी की वजह से विवाह में विघ्न ना आए। कुछ समय तक इसी तरीके से रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान दूसरे विषयों पर लगाती रही। जब भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिद्धि सिद्धि की बातों में लगकर सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया और वह अविवाहित रह गए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इसका पता चलने पर भगवान ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी के समक्ष प्रकट हुए। उनसे रिद्धि सिद्धि से विवाह करने को कहा। भगवान गणपति ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी के साथ तुलसी का श्राप भी सच साबित हुआ। भविष्य में उनके दो पुत्र शुभ लाभ भी हुए। साथ में उनकी एक पुत्री यानी देवी संतोषी भी हुई। अगर आपको गणेश जी के विवाह की यह रोचक कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।